देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। हम उन्हें आज याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं। और रतन टाटा के बारे में ये कहा जाता है कि जो सपना उन्होंने देखा उसे पूरा किया। वो देश की सेवा में हमेशा आगे रहे, चाहे एक उद्योगपति के तौर पर या फिर सामाजिक कार्य के तौर पर। और देखिए, अभी सोमवार को ही वो अस्पताल पहुंचे थे और अस्पताल पहुंचने के बाद जब पूरे देश में इसे लेकर चिंता होने लगी कि आखिर उनके उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, सबने दुआएं मांगी, उनसे जानकारी ली कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो संदेश क्या था, किस तरह से उनका जज्बा उस समय भी बरकरार था, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, रतन टाटा का जोश हमेशा हाई रहा, देखिए आप, और जिस तरह से वो अस्पताल में एडमिट हुए अभी दो तीन दिन पहले, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वहाँ से जो संदेश निकला वो कह सकते हैं वो रतन टाटा ही वो संदेश दे सकते थे। देखिए वाकई ये एक तो उनका आखिरी संदेश था, हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो देश के लोगों को संदेश दिया ये उनका एक प्रकार से आखिरी संदेश था। और देखिए वो जब बीमार हुए, हॉस्पिटल पर पहुँचे, एडमिट हुए वहाँ पे, उसके बाद तरह तरह की जो है चर्चाएँ उनके स्वास्थ्य को लेकर हो रही थी, तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश दिया। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि उन्होंने उसमें क्या लिखा था। उन्होंने अपने एक प्रकार से उनका आखिरी पोस्ट था, उसमें उन्होंने लिखा, मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में फैली हालिया अफवाहों से वाकिफ हूँ। मैं सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये दावे निराधार हैं। मैं अपनी उम्र और उससे जुड़ी मेडिकल स्थितियों के कारण फिलहाल मेडिकल चेकअप करवा रहा हूँ। मेरा मनोबल ऊँचा है। देखिए आखिरी लाइन देखिए, एक व्यक्ति जो 86 साल का है, जिसने जीवन में कभी किसी चीज से हार नहीं मानी, हमेशा संघर्ष करते रहे, और देखिए जीवन के आखिरी पलों में उनकी उनके देहांत से सिर्फ दो तीन दिन पहले उनका जो मैसेज है, उस मैसेज में वो लिख रहे हैं कि मेरा मनोबल ऊंचा है। सोचिए उनकी कितनी उनकी उनका जो आत्मबल जो था, विश्वास आत्मबल कितना, उनका जो जोश था वो कितना हाई था हमेशा, वो कितने सकारात्मक सोच थी जीवन के प्रति उनकी, कि इतने बीमार थे, उन्हें अपनी हालत तो समझ आ ही रही होगी, उसके बाद भी उन्होंने जो अपने लोगों को, अपने प्रशंसकों को, अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्हें संदेश दिया और उन्होंने कहा कि मेरा मनोबल ऊंचा है। ये एक दुनिया को देखने का एक नजरिया बताता है उनका, कि देखिए आखिरी के पलों में भी उनका जो है आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं, बहुत पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहते थे। कि कभी भी किसी ने कहा कि ये काम नामुमकिन है, तो उन्होंने कहा कि नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है, उसे हम करके दिखाएंगे। और वो हमेशा से उनकी शख्सियत के साथ रहा। कहते हैं बड़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी थे, बेहद खूबसूरत, और कहते हैं कि अपने दिमाग से भी बहुत शार्प थे। और जो अंतिम संदेश दिया उसमें भी उन्होंने कहा कि देखिए मेरा मनोबल हमेशा ऊंचा है। देखिए आज पीएम मोदी के एक मैसेज का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो एक्स पे उन्होंने लिखा है। पीएम मोदी लिखते हैं कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। देखिए पीएम मोदी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि वो सिर्फ बोर्ड रूम तक सीमित नहीं थे रतन टाटा, वो बोर्ड रूम के बाहर निकल के लोगों के पास गए, लोगों के बीच में अपना संदेश दिया, लोगों के सपने पूरे करने में अपना योगदान दिया, और उन्होंने ना सिर्फ देश के लिए जो सपने देखे उसे पूरा भी किया। ये शायद पीएम मोदी का जो ये संदेश था जो उन्होंने रतन टाटा जी के लिए लिखा, ये उनके पूरे व्यक्तित्व को समराइज कर देता है। और देखिए उनका आखिरी मैसेज भी था, आखिरी मैसेज में किसी तरह की कोई निराशा नहीं थी, कोई नकारात्मक बात नहीं थी, वो अपने जीवन के आखिरी पल तक एकदम पॉजिटिव रहे। और एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, रतन टाटा के जीवन से जुड़ी ऐसी तमाम आपको कहानियां, रोचक कहानियां मिल जाएंगी जो आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर के रख देंगी। ऐसी एक कहानी बताई जाती है कि ये अमेरिका पढ़ने गए हुए थे, ये अमेरिका में आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने गए थे। वहाँ से इन्होंने पढ़ाई करने के बाद जब वापस देश भारत आए, और उन्होंने ना सिर्फ अपनी कंपनी के लिए काम किया बल्कि देश के लिए काम किया। तो इस प्रकार से रतन टाटा के जीवन से जुड़ी ऐसी तमाम कहानियाँ हैं, तमाम प्रसंग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और जो बिल्कुल पूरे देश के लिए एक मिसाल के तौर पर। बिल्कुल, और मुझे एक बात और ख्याल आता है, ये जो कोरोना का वक्त अभी कुछ सालों पहले गुजरा मयंक, उस समय बहुत सारी कंपनियों से लोग निकाले जा रहे थे, तब रतन टाटा ने खड़े होकर कहा था कि देखिए ये वक्त अपने एम्प्लॉयज के साथ खड़े होने का है, और उन्होंने विरोध किया था कि देखिए इनके साथ खड़े रहिए, कोरोना का एक बहुत ही बुरा दौर चल रहा है और इस वक्त अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे, उसको लेकर एक पत्र भी उन्होंने लिखा था, आपको याद होगा। तो आप समझिए कि किस तरह से वो लोगों के बीच में ऐसे ही लोकप्रिय नहीं थे, मतलब अगर आप और हम भी आज उनको याद कर रहे हैं,
तो हम कभी मुलाकात हमारी हुई नहीं, लेकिन जो चीज़ें उनके बारे में सुना समझा और जिस चीज़ों को हमने पढ़ा वो हर किसी को इंस्पायर करता है, हर किसी को, हर एक व्यक्ति इंस्पायर होता है इससे। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और ये हमने अपने पिछले वीडियो में जिस बात का जिक्र किया जो सिंगूर में उनका नैनो प्लांट था, अगर अभी भी बहुत से लोग बताते हैं आप तो उसी एरिया से आते हो कि अगर वहाँ पे ये प्लांट लग गया होता तो शायद उस पूरे एरिया की तस्वीर ही बदल गई। और अभी अगर अगर आप चले जाएंगे सिंगूर और जहाँ पर ये प्लांट लगने वाला है वो अभी भी जमीन बंजर पड़ी हुई है, वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो अगर जिस तरह के सपने के साथ, क्योंकि देखिए रतन टाटा सिर्फ वहाँ एक प्लांट नहीं लगा रहे थे, बल्कि अगर वहाँ पर ये प्लांट लग जाता तो वो पूरा जो एरिया था, चाहे वो खड़गपुर हो या वेस्ट बंगाल की तरफ जाने, वो पूरा एरिया कितना डेवलप हो जाता और नौकरी कितनी मिलती मयंक। लेकिन शायद उस समय बंगाल सरकार को ये बात समझ नहीं आई, या ये पूरा प्रोजेक्ट जो था वो राजनीतिक भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से आज ये स्थिति बनी। तो हम यही कहेंगे कि रतन टाटा को पढ़ना सुनना देखना, और अब तक वो हमारे बीच में थे, लेकिन अब जब वो हमारे बीच में नहीं है तो भी उनके जीवन से बहुत सीख ली जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आप सही कह रहे हो कि उनका पूरा जीवन ही जो था वो एक प्रकार से एक संदेश है देश के लिए, और उन्होंने ना सिर्फ देश के लिए सपने देखे, उसके लिए संघर्ष किया, पूरे उन्हें पूरा भी किया, और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने से जुड़े हर शख्स का सपना पूरा करने के लिए, मिडिल क्लास का सपना पूरा करने बिल्कुल के लिए, आप ये बिल्कुल मयंक ने ये जो बात की ना, उन्होंने अपने सपने को पूरा नहीं किया, उन्होंने जो लोग थे, जो देश के लोग थे, उनके सपने को भी पूरा करने की कोशिश की। और आज हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वो टाटा ग्रुप को एक मुकाम तक लेके गए और देश को भी एक पायदान ऊपर रखा और देश का नाम हमेशा ऊंचा किया।